Let's do question number 4th of exercise 3C, that is factorization of polynomial. Question number 4th is x square plus 19x minus 150. अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 150x square. Right friends, इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं तो 150 के फैक्टर्स निकाले 5 3s are 15 and 0 3 10s are 2 5s are and 5 1s are. Right friends, अब हमें प्लस माइनस करके 19 लाना है. अगर मैं ये करूं 5 5s are 25 minus 6 तो 19 आ जाएगा. Right friends, तो हमारा क्या हुआ 25 और 6 xx आ गया. ये माइनस का लाना था तो, और बीच बड़ा वाला हमें बीच में प्लस का लाना है. तो इसका मतलब जब प्लस का ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम माइनस कर रहे हैं, और तो बड़े वाले के यहाँ हम ये वाला साइन लगाते हैं जो इसके साथ आ रहा है, और इसके साथ जो आ रहा है वो छोटे वाले का लगाते हैं. तो देखिए, अगर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का आएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो बड़े वाले का साइन आएगा प्लस. तो इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150. तो ये क्या आया, x कॉमन आ गया इन दोनों में से, x प्लस 25 आ गया इन दोनों में से, माइनस 6 कॉमन आ गया तो क्या आया, x प्लस बचा 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टू जो 12 एंड 6 फाइव जो 25. राइट, ये दोनों सेम आ गए तो x प्लस 25 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x माइनस 6 इज द आंसर. Let's do question number 5th. Question number 5th is x square plus 7x minus 98. अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो 98x square हो गया. अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 98. 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 14 and 7 1s are 7. अब 7 2s are 14, 14 में से 7 गया is 7. राइट, तो 14x और 7x हो गए. इसका प्लस साइन है तो ये वाला साइन तो बड़े वाले को दे दो, और इसका माइनस साइन था ये वाला साइन छोटे वाले को दे दो. तो सिंपल, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98. इन दोनों में से x कॉमन निकला तो क्या बचा, x प्लस 14. इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन निकला तो x प्लस 14 बच गया. तो x प्लस 14 कॉमन है तो क्या बचा, x माइनस 7 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 x माइनस 24. फ्रेंड्स, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 24 x स्क्वायर. इसके फैक्टर्स निकालने, 24, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा. राइट फ्रेंड्स, अब देखिए, हमें 2 रूट 3 लाना है. रूट 3 का मतलब हम 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं. राइट फ्रेंड्स, इस 3 को. अब 2 2 इज 4 और 1 2. अगर मैं कहूं 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 तो ये कितना आएगा, 4 2 इज 8, 8 3 इज 24 आ गया. और माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 2 रूट 3 आएगा. राइट फ्रेंड्स, तो अब क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 4 रूट 3 एंड 2 रूट 3 एक्स के. अब इसका प्लस था साइन तो इसका तो बड़ा वाला आ गया, इसका माइनस था तो ये इसका माइनस रख दिया. राइट फ्रेंड्स, तो ये देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स माइनस 2 रूट 3 एक्स. माइनस किया तो 2 रूट 3 आएगा, माइनस 24. तो अब इन दोनों में से एक्स कॉमन आया तो क्या बचा, एक्स प्लस 4 रूट 3 बचा. इन दोनों में से अगर हम 2 रूट 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 24 रूट को हम 24 को हम 2 रूट 3 से डिवाइड करेंगे. 2 से किया तो क्या आया, 12. राइट फ्रेंड्स, 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3. राइट, अब 3 को क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन ये वाला रूट 3. तो एक रूट 3 कट गया तो क्या बचा, 4 रूट 3 बचा प्लस 4 रूट 3, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया. अब देखिए सेम आ गए हैं तो x प्लस 4 रूट 3 आ गया,
बाहर तो क्या बचा x माइनस 2 रूट 3 इज द आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.